दोस्तों शाहिद कपूर की कबीर सिंह बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन कर रही है। इस फिल्म में शाहिद ने शराबी और सन की आशिक का किरदार निभाया है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। यहां तक कि फिल्म ने अब तक 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इस बीच शाहिद कपूर का आमिर खान से कनेक्शन सामने आया है। खास बात यह है कि कबीर सिंह फिल्म तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी का हिंदी रीमेक है। वहीं आमिर खान की फिल्म गजनी साल 2008 में आई थी। यह फिल्म भी साउथ की फिल्म का हिंदी वर्जन थी। गजनी पहली ऐसी बॉलीवुड फिल्म थी जिसने 100 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं शाहिद कपूर की कबीर सिंह का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। आमिर की गजनी के 11 साल बाद शाहिद कपूर ने 100 करोड़ के क्लब में एंट्री की है। इन दोनों के बीच कॉमन कनेक्शन साउथ इंडियन कंटेंट का है, इस वजह से आमिर और शाहिद 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने में कामयाब रहे। फिल्म के जबरदस्त कलेक्शन के बाद शाहिद कपूर के पैर जमी पर नहीं टिक रहे। शाहिद और उनकी टीम की खुशी सोशल मीडिया पर इस पोस्ट के जरिए समझी जा सकती है। इस तस्वीर को खुद शाहिद ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। इस तस्वीर में शाहिद के अलावा कियारा आडवाणी और फिल्म के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वंगा नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में शाहिद और कियारा काफी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं शाहिद की आंखों का रिएक्शन भी देखने लायक है। शाहिद कपूर की कबीर सिंह ने पहले सोमवार के कलेक्शन के साथ ही 5 फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस साल रिलीज हुई फिल्मों के सोमवार कलेक्शन पर नजर डालें तो विक्की कौशल की फिल्म ने रिलीज के बाद के पहले सोमवार को 10 करोड़ 40 लाख रुपए, अजय देवगन की टोटल धमाल ने 9 करोड़ 76 लाख रुपए, सलमान खान की फिल्म भारत ने 8 करोड़ 83 लाख रुपए, अक्षय कुमार की केसरी ने 7 करोड़ 95 लाख रुपए और रणवीर सिंह की गली बॉय ने 7 करोड़ 94 लाख रुपए का कलेक्शन किया था, जबकि कबीर सिंह ने पहले सोमवार को 17 करोड़ 54 लाख का कलेक्शन किया था। दोस्तों क्या आपने फिल्म कबीर सिंह देखी है? प्लीज हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।